राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बागी नेता सचिन पायलट की सियासी लड़ाई हर रोज रंग बदल रही है। बीते दिनों सचिन पायलट के फेसबुक पोस्ट से कांग्रेस का हाथ निशान गायब हो गया था, जिसके बाद तमाम तरह की अटकलबाजी शुरू हो गई थी। वहीं एक बार फिर पायलट के फेसबुक पोस्ट में हाथ का निशान लौट आया है। दरअसल सचिन पायलट ने अपने फेसबुक पेज से 25 जुलाई को नाग पंचमी और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की बधाई दी थी। उनके पोस्ट में कांग्रेस का हाथ निशान गायब था। इसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि सचिन पायलट अब आधिकारिक रूप से कांग्रेस से अलग हो सकते हैं। अटकलों पर विराम लगाते हुए सचिन पायलट ने हाल ही में 3 फेसबुक पोस्ट किए, जिसमें कांग्रेस का हाथ निशान दिखाई दे रहा है। गोस्वामी तुलसीदास की जयंती, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस को लेकर फेसबुक पोस्ट किया गया है। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट ने मोर्चा खोला है। वो अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली और हरियाणा में डटे हुए हैं। सचिन पायलट गुट ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की है। उनका दावा है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। इसके बाद सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को नकारे तक कह दिया था। गहलोत ने आरोप लगाया था कि सचिन पायलट BJP के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने के बाद कांग्रेस ने स्पीकर CP जोशी से बागी विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की मांग की। इसके बाद स्पीकर CP जोशी ने पायलट गुट के 19 विधायकों को नोटिस भेज दिया था। इस नोटिस पर पायलट गुट का कहना है कि उन्होंने कोई भी पार्टी विरोधी काम नहीं किया। SPR9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।